सो फाइनली अलीना मैडम का व्लॉग स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया बेटा, तबीयत ठीक है? सर में दर्द हो रहा है। इसकी खुशी नहीं है, ये सारा मेकअप वापसी मिल गया। हाँ, इसका टूर का व्लॉग बना। मेरा मेकअप अभी कम है, मेरे को इस चीज़ का सदमा लगा हुआ है। अबे एक चीज़ तो मुझे याद आई अभी, यो दोस्तों आप लोग भी याद नहीं करा रहे मुझे। वो कैसे याद वो तो करेंगे, मैंने ऊपर एक चीज़ रखी है, नेल पॉलिश का पूरा वो सेट। अल्लाह तभी मैं कह रही हूँ मेरी चीज़ें कम है। कैसा याद रहता है ना। हाँ मियाँ की चीज़ों का याद नहीं रहता, अपनी एक एक चीज़ का याद रहता है। और तो मेरे मुझे को भी याद याद नहीं होता करा तो है कि मैं मैंने वो बताती उतारा ही नहीं नहीं। है। पकड़ो ये, मैं क्यों उतारूँ उसको सही से। ध्यान से गिरना मत, एक भी हाँ नेल पेंट ना टूटे गिर के। ध्यान से मियाँ के गिरने का दुख नहीं है। सेटिंग कैसी करी है मैंने, चेक कर। वाह, अभी दूसरी चीजें भी आप ही सेट करोगे। हाँ कोई मैं सेट करने के लिए नहीं आया दुनिया में। ये देखो दोस्तों, ये चीज़ तो आप लोगों ने मुझे याद ही नहीं कराई पिछले व्लॉग के अंदर। नेल की कलेक्शंस तो देखो। बाकी एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा अच्छी है मुझे इसके मेकअप के अंदर नेल्स लगाने लगते हैं, ये सब इसके पर लगवाने के लिए आते हैं अलीना के पास। चलो भाई सारी चीज़ों को लोगों को बताओ, बैठो सामने। ये लिप पेंसिल्स हैं, लिप क्रियोन्स हैं जो कि एज अ लिपस्टिक भी यूज़ होते हैं, और साथ में आईलाइनर्स भी हैं इसमें कलर वाले। इसके काफ़ी लेकिन सारे ये सारी हैं। चीज़ें क्या करके बताओगी, मुझे मोबाइल लेके बैठना पड़ेगा यार बहुत। हाँ, और ये गोल्ड का मस्कारा है, ये ग्लैमरोस का मस्कारा है, ये 3D का कोई मस्कारा है, इसका ऊपर नाम मेंशन नहीं। ब्यूटी ब्यूटी मूड का ये, ये वॉल्यूम का है, ये मेरा भला कब का है, हमारी शादी से पहले जब मैं सेंटर जाती थी तब का ये मस्कारा। ये बॉब का मस्कारा है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने खरीद तो लिया था। इन सब में मेरा फेवरेट ये कोरियन मस्कारा, ये नीचे लगाने में और ये बिल्कुल कॉर्नर में लगाने के लिए बहुत ईजी रहता है। अगर किसी को चाहिए हो तो ये मैं पेज मेंशन कर दूँगी, आप लोग परचेज कर सकते हो। और ये वाइट पेंसिल है क्रियोन की, काफ़ी लंबी है, काफ़ी टाइम तक चल जाती है, मुझे तकरीबन 6 महीने तो हो गए ऐसे ख़रीदे हुए और अभी तक ये ऊपर वाला कोड ही इस्तेमाल नहीं हुआ इसका। और ये स्टेम्प वाला मिस रोज़ का आईलाइनर है, विंग बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है ये विंग आईलाइनर। ये ग्लू और जेल मिक्स आईलाइनर होते हैं ना, आईलैशेस ग्लू वाला, ये वो है। बट इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये है लगाने में बहुत पतला, अभी मैंने इसको खोल रही। और ये वाला जो कि मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल में यूज़ भी कर चुकी हूँ, ये भी आईलाइनर है और ये भी कोरियन है और ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है। ये आईब्रो पेंसिल, ये भी कोरियन है। नहीं मेरे बनाता पास में ऑलमोस्ट सब कोरियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और ये ब्रश आईब्रो 2 in 1 है, ये आईलाइनर, काजल, काजल, आईलाइनर, आईलाइनर, बॉब का फिर से मस्कारा, मैंने एक यूज़ किया था मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये टिंट की पैलेट है, इसमें 6 कलर हैं अलग अलग, बहुत अच्छे। मैंने ये तकरीबन 350 की ली थी। और ये भी टिंट्स हैं, ये एक टिंट मुझे 450 की पड़ी थी। और ये वाला मेरा फेवरेट, और ये दोनों आईलैशेस कर्लर हैं, ये मुझे आनी ने दिया था बट ये मुझसे टूट गया था तो फिर मैंने नया ले लिया। आईलैशेस ग्लू, और ये हैं लिप ऑयल्स, लिपस्टिक्स, और साथ में जो सा है ना, ये वाली मेरी फेवरेट, मेरी नानी के टाइम की, मेरी मम्मा, मेरी छोटी बहन और मैं ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभी भी मैंने यही यूज़ की हुई है। इसमें लिप बाम्स भी हैं और लिप ऑयल्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, इसमें काफ़ी सारे न्यूड कलर्स भी हैं और डार्क कलर्स भी हैं। और ये लिप ऑयल्स हैं, वो भी जेल में, मतलब ये इतने ज़्यादा स्टिकी नहीं होते। और ये सब न्यूड और डार्क कलर्स हैं हुदा के, मेरे को हुदा ब्यूटी बहुत पसंद है, जस्ट मैट। और ये कुछ और कलर्स हैं जिनमें न्यूड कलर्स हैं और डार्क कलर्स दोनों हैं, ये मतलब अलग अलग ब्रांड्स के डिफरेंट डिफरेंट। इसके दोनों साइड के दोनों से है ना,
कैप्स मुझसे गुम हो गए। ये वंडर स्टिक है कंटोरिंग की, बहुत अच्छी है ये। और मेरे पास में ये पाउडर कंटोर भी है। ये मिस रोज का कंसीलर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये अफोर्डेबल भी होता है और काफ़ी अच्छी कवरेज भी देता है। एक्ने स्कार्स और ब्लैक हेड्स वगैरह दोनों को कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। कलर करेक्टर फिलहाल मेरे पास में प्रो वालों का यही पड़ा हुआ है, बाकी पता नहीं मैंने कहाँ फेंके हुए। और ये एक्ने स्कार्स को कवर करने के लिए बहुत अच्छा रहता है डेली बेसिस के मेकअप पे भी। ये आई कंसीलर प्लस आई प्राइमर है। और ये स्टिक वाला आई वो कंसीलर है। इतना अगर मैंने स्कूल के पेपर याद किए होते हैं ना, तो आज मैं पता नहीं पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर होता है या पता नहीं क्या होता। ये एक एक चीज़ इसने कितनी तेज़ी से याद करी हुई है कि कोई तो चीज़ इसको भूली भी होगी, कोई चीज़ अलग अलग चीज़ मैं भूल गया, पता नहीं इसने क्या क्या बताया, 2 सेकंड में भूल गया, लेकिन ये एक एक चीज़ याद है। ये लड़कियों को पता नहीं कैसे याद होती है। ये भी कंसीलर है, ये थोड़ा डार्क कलर में। और ये मेबलिन का, यार ये बहुत बेकार था। ये मैंने ट्राई किया, परफेक्ट मैच। मैंने कंसीलर ना सोचा था बहुत अच्छा होगा, पिंक शेड में था, लेकिन इससे बेकार कंसीलर मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। और ऊपर से ये था भी बहुत महंगा। कब खत्म होगी ये? और ये मिस रोज के आई शेडो है जो कि मैंने एसएम की बर्थडे पे यूज़ किया था। आउच। बट ये है बहुत अच्छा, मेरा दिल टूट गया आपकी वजह से, मेरा आज सारा मेकअप खराब हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी दिखाओ, मेरा हाथ दुख गया। ये आई ग्लिटर्स हैं प्लस आईलाइनर, आईलाइनर, आई ग्लिटर। और ये मैक का प्राइमर, फिट मी का प्राइमर, ये बहुत अच्छा प्राइमर है। और इन सबसे अच्छा मतलब प्राइमर ये है, ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बट नाइट के लिए, डे के लिए यूज़ नहीं होता ये। बाकी ये सारे बेकार प्राइमर है, ये भी बस सही है ठीक ठाक। और ये प्राइमर भी बहुत अच्छा था, इसको मैंने आधा ख़त्म कर दिया है। सबसे मेन चीज़ गर्मियों में यूज़ होने वाली सन ब्लॉक, ये बीबी क्रीम है। ये भी फाउंडेशन है, ये हांडी बेस है, ये स्टिक बेस है, आई ये कंटूर था बट मैंने उसको यूज़ करके ख़राब कर दिया। ये भी हांडी बेस है, बीबी, सॉरी ये हांडी बीबी है। ये स्टिक है मेरी शादी की, ये फाउंडेशन है, ये बीबी क्रीम है। ये दोनों सेटिंग स्प्रेज है, मेकअप सेटिंग स्प्रेज। ये सब मेरे फेवरेट है। ये फुल कवरेज वाले जो उनसे बीबी पाउडर्स हैं और साथ में फेस पाउडर्स मिक्स है इनका, ये अच्छा ही है। और ये सबसे सबसे बेस्ट चीज़ नेचुरल मेकअप करने के लिए, ये भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। इन सब चीज़ों में से अगर कुछ भी चाहिए हो तो आप परचेज कर सकते हैं मेरे पेज से। ये है नेचुरल मेकअप के लिए, क्या कहते हैं, सेटिंग पाउडर, वाइट टोन में है लेकिन बहुत अच्छा है। और डार्क सर्कल्स के लिए ये है डॉक्टर, क्या नाम है पढ़ा नहीं जा रहा, रशील। हाँ ये आई मार्क्स है, बल्कि नाइट क्रीम है बट एज अ मॉइस्चराइजर यूज होती है। ये मॉइस्चराइजर्स हैं, लिक्विड है, हाइलाइटर, ये भी हाइलाइटर है, ये भी हाइलाइटर है। आउच। ये हाइलाइटर किट है, इसमें ब्लशेस भी हैं, होल्ड की दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये टूट गई थी, ये मेरी शादी के टाइम का था, ये सद ने तोड़ दिया। ये आज एसन ने तोड़ दिया, थैंक यू ग्लिटर। और ये कोरियन पैलेट है पीच, ये भी बहुत अच्छी है, फेवरेट है ये मेरी। ये भी ठीक ठाक ही है, ये गुजारे लाइक। और सबसे मेन चीज़ जो कि आजकल मेरी सबसे फेवरेट है,
पहले जब मैंने ली थी ना तो मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा वर्क करेगी, बट अभी मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। ये रहा इसमें पाउडर, ये हर स्किन टोन के साथ में उसकी स्किन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ये हाइलाइटर है, ये कंसीलर है, ये कलर कंट्रोल है और ये ब्लश है, तो मतलब इसको कैरी करने में बहुत ईजी है ये। ब्राइडल मेकअप के लिए काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डार्क और फंकी कलर्स हैं इसमें। और अगर पार्टी वेयर मेकअप हो, इसमें काफ़ी लाइट कलर्स हैं और क्यूट भी बहुत हैं ये वाले 63 कलर्स, और इस वाली पैलेट में है 56 कलर्स। और ये न्यूट की हुदा की है, ये भी बहुत अच्छी न्यूट कलर्स हैं इसमें। मेरे आधे से ज़्यादा सामान ट्रैवलिंग करते हुए टूट गया, और ये मैंने सेल में से ली थी, ये भी बहुत अच्छी है, न्यूट कलर्स हैं इसके भी। और ये ब्लशेज हैं और हाइलाइटर्स हैं, ये सिंपल ब्लशेज हैं, ये भी ब्लश है, ये मैंने यसिन की कज़न से छीना था। ये बहुत क्यूट था लेकिन ये भी टूट गया, ब्लश है ये भी ब्लश है, ये मेरी शादी के टाइम का है, मतलब एक साल पुराना। क्या हुआ, इसने भी तोड़ दिया आपने? कहाँ से टूट गया, इसको तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, ये तो करते सारी चीजें तोड़ दूंगा मेरा दादा दिमाग घुमा है, बता रहा हूँ। तोड़ दिया है, लग जाएगा अभी यार, वहां से साइड से लग जाएगा, नहीं लगेगा ना, क्लिप मैं लगा दूंगा, बोल रहा हूँ लगा दूंगा। ये भी आप मेरे को नए दिलाओगे, अभी लेके जाओगे मेरे को दिलाने? इसमें पता नहीं कितने कलर्स हैं, मैं कलर भी भूल गई इसके। ये फंटास्टिक कलर्स हैं, आपके पास मेरे काम आ रही है। अच्छा, ये वो नहीं होता नेल्स को साफ करने के लिए नेल पेंट रिमूवर, टिश्यूज हैं ये, बट बेकार है, अगर आप इस पे वो नहीं लगाओगे ना, क्या कहते हैं, भुला दिया ना, नज़र लगा दी ना क्या कहते हैं उसको, नेल पेंट रिमूवर जब तक नहीं लगाओगे ये काम नहीं करती, बेकार है, फेल है मेरी तरफ से। पॉली जेल, ये भी फेल है मेरी तरफ से फुल ऑन। और ये नेल्स जिनसे मैं अपना नेल आर्ट करती हूँ, ये पॉली जल के ये बेकार है, ये वाली नेल्स हैं जिनसे मैं अपना नेल आर्ट करती हूँ। और एक 20 रुपीज़ का टिकट मिलता है, 20 का नहीं अब वो भी 40 का हो गया, उससे भी नेल आर्ट होता है। और ये वो नेल्स हैं, रख दो, ये वो नेल्स हैं जो मैं अब तक यूज़ कर चुकी हूँ, तो जो मेरे साइज के नहीं हैं। और ये मैट के कलर्स हैं, मैंने अपने इंस्टा पे इसकी स्टोरी भी लगाई थी, ये भी मैट कलर्स हैं। ये भी मैट कलर्स हैं। और ये भी पॉली जेल का सामान है, बेकार। बस सही है ना, सारे नेल पेंट ही है ना, ये सब ग्लिटर्स हैं। और बाकी ये सब जो है ना, ये देखें, ये दोनों वो नहीं होते, क्या बोलते हैं यार, इस पे भी नेल पॉलिश लिखा हुआ है, पता नहीं मुझे उसका नाम भूल गया, ये टॉप कॉर्ड होता है नेल पेंट्स का, उसकी शाइनर, हाँ नेल शाइनर्स, ये नेल शाइनर्स है। बाकी ये सारे कलर्स हैं, बस ख़त्म, मेरे पास यही सामान है। या अल्लाह पाक जान छुड़ी, अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाय बाय बोल दो।